हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चलेंगे चकराता और घूमेंगे चकराता की खास जगह टाइगर फॉल्स और करेंगे ट्रैकिंग बुदर केव्स की तरफ। तो चकराता पहुंचने के काफी सारे रास्ते हैं, बस फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से ट्रैवल करना चाह रहे हैं। मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ गुड़गांव से। अगर गुड़गांव से मैं बात करूँ तो गुड़गांव से चकराता 383 किलोमीटर का रन है वाया देहरादून, जो कि एक बहुत ही शानदार सफर है जो आप कर सकते हैं। और चकराता पहुंचने के लिए आप काफी सारे मोड्स को यूज कर सकते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयरवे। अगर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आप उतर सकते हैं देहरादून हवाई अड्डे पर, और अगर ट्रेन पर जा रहे हैं तो आपको देहरादून उतरना पड़ेगा, वहां से आप टैक्सी लेकर आ सकते हैं। बाय बस आपको ज्यादा तरीके नहीं मिलेंगे। और जो चौथा तरीका है आने का, दिल्ली से काफी सारी टूर कंपनीज टूर अरेंज करती हैं चकराता के लिए, तो मैंने भी वही अरेंज किया। ट्रिपर्स के साथ मैंने ट्रेवल किया, सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। और हम मिले ट्रिपर्स की टीम से आर के आश्रम के अपने बोर्डिंग पॉइंट पर रात को 12:30 बजे, और हमने करी अपनी शानदार जर्नी को शुरू। जैसे ही जर्नी शुरू हुई सभी लोग आए, हमने अपना बैग पैक किया और निकल चले चकराता की ओर और अपना सफ़र शुरू किया। रात का टाइम था, सोते सोते गए वहाँ पर। आप भी यहाँ पर निकल सकते हैं और ले सकते हैं शानदार जर्नी का मज़ा। रास्ते में हमारी बस ख़राब हो गई थी, पर ड्राइवर्स की सूझबूझ के कारण थोड़ा सा टाइम तो लगा, पर हमने अपनी जर्नी को फिर से वहीं शुरू किया और निकल पड़े अपने रास्ते की ओर। और यहाँ से शुरू होते ही हैं देहरादून होकर बहुत ही शानदार वादियाँ, जो कि आप अभी देख ही सकते हैं। शानदार वादियाँ जो आपको कहीं भी देखने को ना मिले। आठ नौ घंटे के थकान भरे सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं अपने होटल, जो कि एक बहुत ही शानदार जगह थी पहाड़ों के बीच। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। सारी थकान उतर गई यहाँ का नज़ारा देखकर। अगर आप इस होटल को देखना चाहते हैं तो इस होटल का डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। होटल का नाम है देवदा ड्रीम रिसोर्ट चकराता। क्या नज़ारा है। कुछ देर आराम करने के बाद हम निकल चलते हैं अपनी 20 किलोमीटर आगे की जर्नी टाइगर फॉल्स के लिए। और हाँ, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटे का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो आइए चलते हैं टाइगर फोर्स की तरफ। टाइगर फोर्स पहुंचने के बाद या तो वहाँ पर गाड़ी से भी पहुंच सकते हैं, या आप 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक के साथ भी आप चलते चलते अपने पैरों से पहुंच सकते हैं टाइगर फोर्स। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप ट्रैक करके जा रहे हैं थक तो जाएंगे, पर बहुत ही अच्छे नज़ारे आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगे। हाँ, और
उन रस्तों पर आप अपनी फोटोज क्लिक कराना मत भूलें। और पूरे दिन की मशक्कत के बाद हम आखिरकार पहुंच ही गए हम टाइगर फॉल। हम लोगों ने सबके साथ यहाँ पर कुछ 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर हमने स्पेंड किया, थोड़ा सा नहाया और काफ़ी सारी फोटोज क्लिक करी और उसके बाद हम अपने सबके साथ निकल गए वापस अपने होटल की ओर बहुत सारी यादें लेकर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बुद्र केव के ट्रैक की, जो कि चक्राता से पड़ता है थोड़ी दूर, और उसको देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इस तरह का कंटेंट बार बार देखने को मिलता रहे। तो सायनारा दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट गौरव।